दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अश्विन को अच्छा गेंदबाज मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने चमत्कारी गेंदबाजी से चटकाए एक के बाद एक विकेट लगातार ले ली, हैट्रिक रच दिया इतिहास। फिर अश्विन ने भी किया कारनामा, पूरी गेंदबाजी भारत की आपको वीडियो में दिखाने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अश्विन में से कौन अच्छा गेंदबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे मैच का दूसरा दिन जब शुरू हुआ तो यहां पर केएल राहुल के बल्ले से हम सभी को शतक देखने के लिए मिला। इस बीच केएल राहुल ने 137 गेंदों पर 14 चौके और 4 बड़े छक्के लगाते हुए 101 रन की पारी खेली, लेकिन नांद्रे बर्गर ने उनको 68वें ओवर की चौथी गेंद पर चलता किया, जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम का स्कोर 245 रन पर 10 विकेट हो गया। और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहली पारी के दौरान साउथ अफ्रीका के आगे 246 रन रखे। अब दोस्तों, इस मुश्किल मैदान पर 246 रन बना पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इस बात का सबूत हमको पहली ही गेंद से साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी के दौरान मिल गया। हुआ ये कि जब भारत के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज मैदान पर उतरे तो दोनों को पता था कि यहाँ पर तेज गेंदबाजों को अच्छी खासी मदद है, और इसी मदद का फायदा उठाते हुए इस बीच एडन मार्करम, जो कि 17 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे होते हैं, उनको मोहम्मद सिराज ने चलता किया और केएल राहुल के हाथों शानदार कैच आउट करवाया, जिसके चलते यहाँ भारतीय टीम को पहली बड़ी सफलता मिली। तो वहीं साउथ अफ्रीका टीम यहाँ से वापसी करने के इरादे बनाई रही होती है तभी डीन एल्गर और टोनी डी जॉर्जी पारी को संभाल लेते हैं, और लंच समाप्त होने तक साउथ अफ्रीका टीम ने 16 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 49 रन बनाए थे। अब भारतीय टीम की बारी थी कि यहाँ पर लंच के बाद आकर एक के बाद एक विकेट चटकाए, और फिर क्या था, भारतीय गेंदबाजों ने अपने दर्शकों की सुनी और यहाँ पर अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। इस दौरान जसप्रीत बुमराह के हाथों से ऐसी चमत्कारी गेंदें निकलती हुई नजर आई कि मानो देखकर खुद रोहित शर्मा के भी होश उड़ गए हो कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह ऐसी गेंदबाजी करवा कैसे रहे हैं। और इस बीच लंच समाप्त हो जाने के बाद डीन एल्गर और टोनी डी जॉर्जी ने भारतीय गेंदबाजों को तंग तो किया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टोनी डी जॉर्जी को जसप्रीत बुमराह ने अपनी अंदर आती हुई गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया, जिसके चलते यहाँ पर टोनी डी जॉर्जी के रूप में भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिली और यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को वो कैच थमा बैठे, जिसके चलते यहाँ 28 रन पर टोनी डी जॉर्जी चलते बने। अब एडन मार्करम और टोनी डी जॉर्जी के आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका टीम पर काफी ज्यादा दबाव बन चुका था। भारतीय गेंदबाजों को बस अब क्या चाहिए था कि एक विकेट और मिल जाए और यहाँ से मैच हमारे नाम हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर इस मुश्किल पिच पर एक विकेट और मिल जाता जसप्रीत बुमराह या फिर मोहम्मद सिराज को तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका टीम वापसी करने में सफल नहीं हो पाती। तो वहीं दूसरी तरफ डीन एल्गर, जो कि 50 रन बना देने के बाद अपने शतक की ओर आगे बढ़ रहे थे, उनको भी रोकने का काम जसप्रीत बुमराह ने किया। और आप सभी यहाँ पर पूरी बल्लेबाजी देख भी सकते हो अभी साउथ अफ्रीका टीम की किस प्रकार से चल रही है, जहाँ आप सभी को पूरा लाइव स्कोर कार्ड भी दिखाया जा रहा है भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का। हालांकि दोस्तों यहाँ पर अभी तो रविचंद्रन अश्विन ने एक ही ओवर डाला है, और अगर आगे उनको 10 ओवर करवा दिए रोहित शर्मा ने तो यहाँ एक के बाद एक विकेट लेके वो तो जरूर अपनी हैट्रिक पूरी करना चाहेंगे। और अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की गेंदबाजी को देख लेने के बाद, और आप जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अश्विन की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।